तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। जी हाँ, एक्सेल के टेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मूला का क्या रोल है। जैसे सबसे पहले जानते हैं कि जैसे मैंने यहां पे ए लिखा और यहां पे हम अगर हम कोड का फॉर्मूला लगाते हैं क्या होता है, इसका कोड यहां पे आपको बताता है। ए का जो स्काई टेबल है वो स्काई टेबल यहां पे आपको शो करे। इसी तरह से यहां पे अगर हम कैर लगाते हैं तो आपको Recording in डिफॉल्ट से progress. करेक्टर दे देगा। अब इसका यूज क्या है हम आगे बताएंगे इसके बाद। अब बात करते से मैंने यहां पे लिखा सुजी और बहुत सारा स्पेस दे दिया और यहां पे लिखते हैं कुमार। अब इनके बीच में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्पेसेस होते हैं या नाम के बाद भी बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए मैं ट्रिम फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं। किसका इस्तेमाल करता हूं? ट्रिम का। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रिम फॉर्मूला स्पेस को रिमूव नहीं करता है। स्पेस को क्या नहीं करता है? रिमूव नहीं करता है, वो स्पेस को अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है? अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि कभी कभी जब डेटा हम लेके आते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब यहां पे हम कभी कभी लिखते हैं सुजीत और N% मार्कर यहां नीचे कुमार पे आ गया, आ गया सुजीत कुमार। अगर मैं यहां पे ट्रिम का फॉर्मूला अगर लगाता हूं तो आप देखेंगे कि ट्रिम का फॉर्मूला सुजीत कुमार पे। अब मैं यहां पे लेन फॉर्मूला लगाता हूं, लेन क्या करता है? 12 देता है। लेन क्या करता है? 12 देता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहां पे जब मैन्युअली काउंट कर रहा हूं तो सुजीत कुमार में 11 है, फिर लेन 12 क्यों दे रहा है? यहां आपको 12 क्यों दे रहा? तो ऐसा इसलिए कि जो हमने ऑल टेक्स्ट मारा वो रैप टेक्स्ट था जो कि टी और के बीच में एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। ऐसे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर के लिए हम यहाँ क्लीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लीन क्या करता है? क्लीन कर देता। अच्छा, श्वेता के नाम से किसने किया है? सर मैं ही हूँ, मैं ही हूँ श्वेता हिंगा श्वेता हिंगा सूर्य। सूर्य। ओके ओके, क्लीन क्या करता है? क्लीन कर दे। अब मैं बोलूंगा कि सर टी और की के बीच में तो कोई स्पेशल करेक्टर है ही नहीं, उसके बीच में एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए ना। तो ऐसे स्पेशल करेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी करेक्टर को क्या करे, किसी भी करेक्टर को क्लीन कर दे। मतलब कि उसके बीच में किसी किसी भी करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से रिप्लेस कर।
तो ऐसे केसेस में यहां पे हमने 1, 2, 3 डॉट इस तरह से दिया, और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में जो डॉट है ना वो डैश बन जाए। डॉट क्या बन जाए? डॉट डैश बन जाए। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इसका। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला किसी सेल के अंदर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी अनोदर टेक्स्ट से रिप्लेस करता है। एंटर प्रेस किया, देखिए 1, 2, 3 - 365 - 965 किसी टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट से रिप्लेस करता है। एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस। रिप्लेस फॉर्मूला भी सेम काम करता है, बट इसमें क्या है कि इसमें हमें बताना होता है स्टार्ट नंबर, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर से करता है। जैसे मैं बोलता हूं कि चौथे करेक्टर से एक करेक्टर को स्लैश कर, तो अब इससे कोई लेना देना नहीं कि चौथा करेक्टर क्या है, चौथा करेक्टर क्या है यहां पर। तो यहां आपने इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो यहां मैं कैसे यूज कर, क्योंकि अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला देता हूं तो टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब यहां पे मैं ऑल्ट एंटर थोड़ी प्रेस करूं तो यहां पे काम आएगा मेरा इस कोड और कैर का हो, मतलब किसी भी सेल पे अगर मैं एंटर प्रेस ऑल्ट एंटर प्रेस कर दिया तो रैप टेक्स वाला जो है वो आ जाएगा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, यहां पे कोड का फॉर्मूला लगाऊंगा। कोड फॉर्मूला क्या करेगा, इसका करेक्टर अलग कर देगा और ये बता देगा इसका कोड क्या है। फिर वापस कैर के अंदर में अगर हम 10 को डालते हैं तो सेम रिजल्ट आता है। मतलब मैं यहां सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊं, इसको सेलेक्ट करूं और यहां पे कैर 10 करता हूं और यहां पे कॉमा स्पेस देता हूं, तो क्या करेगा, रैप टेक्स को रिप्लेस कर देगा। किसमें? स्पेस में। तो यहां पे आपने सीखा पहले कैर का फॉर्मूला, देन कोड का फॉर्मूला, देन ट्रिम का फॉर्मूला, देन क्लीन का फॉर्मूला, उसके बाद लेन का फॉर्मूला, उसके बाद आपने सीखा सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, फिर आपने सीखा रिप्लेस का फॉर्मूला, मतलब 7-8 फॉर्मूले सीख गए, कोई दिक्कत इसमें? अब कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले उसको देख लेते हैं, नहीं छोटे मोटे फॉर्मूले नहीं, हम टेक्स्ट ज्वाइन पे बात करें कि अगर मुझे टेक्स्ट को ज्वाइन करना हो तो कैसे करें। जैसे यहां सुजीत कुमार लिखा है, इसको ज्वाइन करना है तो हम कॉनकेटेनेट का फॉर्मूला लगाएं। किसका? कॉनकेटेनेट। हम इसको सिलेक्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया और इसको सिलेक्ट, स्पेस नहीं देंगे तो कोई सेपरेटर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई सेपरेटर नहीं होगा अगर स्पेस नहीं देते हैं तो। और एंटर प्रेस कीजिए, यहां पे आपके सामने सुजीत कुमार आओ। या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करें, कॉनकेटानेट लगाएं, डैश अगेन जो है हम इसको सिलेक्ट करें कुमार, एंटर प्रेस करें तो देखिए सुजीत कुमार आपके सामने आ रहा, क्या आ गया, सुजीत कुमार। लेकिन जब एक लिस्ट की बात आती है कि मुझे पूरा का पूरा लिस्ट चाहिए तो यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला इक्वल कॉनकेटेनेट, नहीं कॉनकेट, कॉनकेट सिलेक्ट किया, एंटर मारा, देखिए कॉनकेट आया, लेकिन कुछ सेपरेटर नहीं आया। सेपरेटर चाहिए तो चाहिए टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला। टेक्स्ट ज्वाइन में मुझे बताना होगा कि ये सेपरेटर है, फिर मैंने सेलेक्ट किया कि क्या इग्नोर करना है, तो हमने बोला ब्लैंक को इग्नोर कर देना है और यहां पे हमने सेलेक्ट कर लिया अपने डेटा को, तो इसने ज्वाइन कर दिया विथ सेपरेटर। कैसे ज्वाइन किया?
सेपरेटर के साथ ज्वाइन कर दें। लेकिन क्या हो अगर जब मुझे दो डेट को, जो डेट है हमारा, दो डेट को कुछ ज्वाइन करना हो, जैसे मुझे कुछ ऐसे स्टेटमेंट बनानी है, तो कैसे करेंगे? तो यहां पे करते हैं इक्वल, यहां लिखते हैं फ्रॉम स्पेस एंड परसेंट, हमने डेट सिलेक्ट किया, अगेन एंड परसेंट स्पेस टू स्पेस एंड परसेंट, इसको सिलेक्ट किया। तो क्या हुआ, डेट जो है इस तरह के नंबर्स में आ रहा। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे कॉमा डी सॉरी डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई, फिर वापस। तो मुझे जो डेट हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे, डेट हम टेक्स्ट फॉर्मूले के साथ रखेंगे। तो डेट और टाइम को अगर करना चाहते हो तो इसका ध्यान आप रखेंगे, डी डी स्लैश एम 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 स्लैश वाई वाई, और यहां पे हमने एंटर प्रेस। समझ में आया आप लोगों को? तो डाउट इसमें, तो टेक्स्ट ज्वाइन करना समझ में आ गया आप लोगों को? अब टेक्स्ट ज्वाइन हुआ है तो मुझे इसको सेपरेट भी करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे मैंने लिखा सुजीत कुमार, मुझे इसको सेपरेट करो। तो अब यहां पे दो चीजें, अगर आप लेटेस्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आप यहीं पे लगाइए फॉर्मूला टैक्स स्प्लिट का, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसमें बोलिए कि स्पेस की भाव से तीनों को तीन अलग अलग सेल पे डाल दें। लेकिन पुराना एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट का फॉर्मूला, जो कि जितना डिजिट बोलेंगे उतना डिजिट वो लेफ्ट से अलग कर देगा, तो राइट का फॉर्मूला जितना बोलेंगे उतना डिजिट वो राइट से राइट से अलग राइट से अलग कर देगा, उतना डिजिट आप बोलेंगे, जैसे मैंने बोला तीन डिजिट, तो तीन जीत से राइट से अलग कर दिया। और फिर यहाँ पे मैं लगाया फॉर्मूला मिड का, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, और मिड को बताना पड़ता है कि तीसरा चौथे नंबर से स्टार्ट है, एक एक नंबर वन डिजिट है, नहीं तीसरे नंबर से मुझे चौथे नहीं पांचवें नंबर से था कि पांचवें नंबर से तीन डिजिट चाहिए, तो तीन डिजिट आपने हम पांचवें नंबर से कितने डिजिट चाहिए, तीन डिजिट चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नाम है मुझे यहां पे, तो मुझे चाहिए इस पे कैसे एट द रेट के हिसाब से अलग करना है। तो यहां पे मान लीजिए मैं लगाऊंगा टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट बिफोर इसको सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने बोला कि एट द रेट से अलग कर, तो यहां पे आप टेक्स्ट बिफोर बोला यहां, देन यहां पे डालेंगे टेक्स्ट आफ्टर, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि एट द रेट के बाद वाला टैक्स यहाँ दे, तो टैक्स बिफोर और टैक्स आफ्टर यहाँ अलग अलग। सेम उसी तरह से यहां पे अगर हम देते हैं टैक्स, यहाँ पे तो ये तो लेटेस्ट एक्सेल में आ गया ना, पुराने एक्सेल में कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला फाइंड का, फाइंड में हम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि भाई इसमें से नहीं ऐसे नहीं टेक्स्ट को नहीं, एट द रेट दे रहा हूँ एट द रेट, और फिर इसको सिलेक्ट किया एलवाल, ये बताया आपको कि एट द रेट का पोजीशन क्या है, एट द रेट का पोजीशन क्या है। तो यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला फाइंड और फाइंड में हम यहां देंगे एट द रेट एंड कॉमा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं नहीं फाइंड नहीं, फाइंड तो लगा चुका हूं ना, लैब लैब, और बोलूंगा कि भाई सिक्स माइनस वन, फिर यहाँ पे हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इसकी जो कंप्लीट लेन है उस लेंथ में से माइनस सिक्स कर दो,
तो माइनस सिक्स अलग अलग टर्म। तो लेफ्ट फाइंड फॉर्मूला और एक सर्च फॉर्मूला होता है जो दोनों तरह से काम करता है कि किसी भी करेक्टर वर्ड सेंटेंस को किसी सेल के अंदर ढूंढता है, ढूंढ के बताता है या नहीं, अगर है तो उसका वो नंबर बताता है। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले देखते हैं। जैसे किसी भी टेक्स्ट को अपर में हम यहां पे अपर लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रॉपर है तो प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए एंड लोअर लोअर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद कोई वैल्यू अगर टेक्स्ट में लिखा है तो वैल्यू फॉर्मूला या नंबर वैल्यू फॉर्मूला से इसको टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे राम लिखा तो यहाँ पे एक कैपिटल है, स्मॉल है, तो नॉर्मल जो इफ फॉर्मूला या लॉजिक है हमारा दोनों को एक जैसा मान है। देखिए मुझे एग्जैक्ट मैच करना है तो यहाँ एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे दोनों को सिलेक्ट करने का, दोनों एग्जैक्ट हुआ तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा। यहाँ देखिए अगर एग्जैक्ट हुआ तो ट्रू आएगा। उसी तरह से नंबर को अगर मैं फिक्स में रखू, फिक्स तो एक फिक्स जो हमारा रुपीज का सिंबल ये होता है, रुपी जो एक अमाउंट का फिक्स फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आ जाता है। उसी तरह से डॉलर रखेंगे तो जो डिफॉल्ट करेंसी फॉर्मेट है उसमें आ जाएगा, तो मेरा जो जीरो है रुपीज है इसलिए इसमें आ गया। ओके, तो ये थी हमारी मिसलेनियस टेक्स की फॉर्म। अब इसमें हमारे ट्रिक्स कुछ ट्रिक्स है तो इन ट्रिक्स के बारे में हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आप इन सारे फॉर्मूलेज को आप अपने एंड से देख लीजिए।